दोस्तों, मैं मनीष शर्मा अपने YouTube चैनल पर आप सभी दोस्तों का वेलकम करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये जो रास्ता जा रहा है पहाड़ों के बीच में से होकर जा रहा है, जंगली जानवरों का खतरा हमेशा यहां पर बना रहता है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं एक ऐसी जगह की जो बड़ी शांत है, मैं बात कर रहा हूं अदावल धाम की। अदावल धाम हनुमान जी का एक पवित्र स्थान है, यहां पर साधु संतों ने बड़ी ही घनघोर तपस्या करी है। ऐसी जगह पर मैं आज आपको लेकर जाने वाला हूं। तो दोस्तों, आप दिल थाम कर बैठिए और आप तैयार रहिए और मेरे साथ चलिए अदावल धाम टेम्पल। तो चलिए, लेट्स गो। ये जो रास्ता है ये बड़ा ही दुर्गम रास्ता है और ये रास्ता अरावली की पहाड़ियों के बीच में से होकर जाता है। दोस्तों, आपको जो ये दिखाई दे रहा है, ये जो नहर जा रही है ये सिलीसेड बांध से होकर जा रही है और ये जो नहर है ये अलवर जिले की तरफ जा रही है, जो कि पानी की सप्लाई के लिए ये नहर काम आती है। मैं सिलीसेड झील के पास में पहुंच गया हूं। ये जो सामने रास्ता जा रहा है ये सिलीसेड झील की तरफ जा रहा है। अदावल धाम की साइड जाते हुए हमें सिलीसेड लेक दिखाई दी तो हम कुछ देर के लिए यहां पर रुक गए हैं। देख सकते हैं आप, दूर दूर तक यहाँ पर इस झील का पानी भरा हुआ है और मवेशी गाय भैंस यहाँ पर इस झील के पानी में स्नान कर रही हैं। कुछ गर्मी भी है और उमस का सीजन है तो ये जगह है काफ़ी अच्छी है। क्या बात है, देख सकते हैं आप, ये बकरियाँ हैं और इस जंगल के रास्ते पर ये बकरियाँ घास चर के यहाँ से जा रही हैं। दोस्तों, ये रोड जो आ रहा है ये अलवर से आ रहा है और ये जो सीधा रोड जा रहा है ये अदावल धाम की साइड जा रहा है और ये जो रोड जा रहा है ये गरवाजी की साइड जा रहा है, जिस और ये वैन जा रही है ये गरवाजी धाम की साइड। तो दोस्तों, हम अब इस रोड पर सीधा निकलने वाले हैं अदावल धाम हनुमान टेम्पल की साइड। पानी आ रहा है ये अदावल धाम से आ रहा है, पानी बहता हुआ पहाड़ों से जा रहा है। इस नहर में एक भाई यहाँ पर एक नहा रहा है तो आप इसको नहाते हुए देख सकते हैं। भैया नहा के दिखा यार, वाह क्या बात है, गाड़ी की धुलाई हो रही है। सामने से देख सकते हैं दोस्तों, मैं इस रास्ते से आया हूं, ये कच्चा रास्ता है, यहां पर अभी सड़क नहीं बनी है लेकिन फिर भी यहां पर फोर व्हीलर और टू व्हीलर्स दोनों आ और जा सकते हैं। मेरे सामने आप देख सकते हैं दूर दूर तक यहां पर जो पहाड़ियां नज़र आ रही हैं ये अरावली की दुर्गम पहाड़ियाँ हैं जो कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा हैं। यहाँ पर इस चारों ओर जंगल ही जंगल हैं और यहाँ पर टाइगर्स भी रहते हैं और जंगली जानवरों का डर यहाँ पर हमेशा रहता है। इस जंगल में सबसे ज़्यादा खेजड़ी के पेड़ और लगे हुए हैं और विभिन्न प्रकार की बहुत तरह तरह की जड़ी बूटियों के पौधे यहाँ पर लगे हुए हैं। दोस्तों, अब मैं इस कच्चे रास्ते से करीबन करीबन 4 किलोमीटर आगे मैं इस जंगल के रास्ते में पहाड़ों की साइड जाने वाला हूँ, जो कि ये रास्ता खतरे से खाली नहीं होने वाला है। कच्चा रास्ता है और पथरीला रास्ता है थोड़ा, क्योंकि यहाँ पर रोड अभी नहीं बना है। जंगल में पशु मवेशियों को लेकर यहाँ पर किसान आते हैं। दोस्तों, अब मैं आखिर में अदावल धाम पहुँच चुका हूँ। मेरे पर प्रभु श्री राम का ये धाम है और हनुमान जी उनके भक्त थे तो हम भी उनके भक्त हैं। तो दोस्तों, कह सकते हैं मैं पहुँच चुका हूँ अदावल धाम श्री हनुमान जी के धाम में। दोस्तों, मैं अदावल धाम के अंदर खड़ा हूँ, सामने देख सकते हैं ये खजूर के पेड़ हैं जो प्राचीन संस्कृति में इनको शुभ माना जाता था।
ये खजूर के पेड़ आज उस जगह आपको जरूर मिलेंगे जिस जगह कोई भगवान का धाम होगा या ऐसा स्थान होगा जहाँ पर साधु संतों ने तपस्या करी होगी, तो ऐसी जगह पर ये खजूर के पेड़ सबसे ज़्यादा मिलते हैं। अदावल धाम में आप सामने देख सकते हैं, ये भगवान शिव का शिवालय है और इस धाम का निर्माण कार्य अभी चल रहा है। इस मंदिर में एक स्थान है जिसमें श्री हनुमान जी का और श्री राधे कृष्ण और राम दरबार है। मैं इस जगह एक बार आपको अंदर लेके चलता हूँ। मैं बड़ी ही शांत जगह है। महाराज के यहाँ पर चरण पादुकाएं रखी हुई हैं। यहाँ पर देख सकते हैं अभी यहाँ पर काम जो चल रहा है, इस वजह से यहाँ पर थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि अस्त व्यस्त, लेकिन यहाँ पर अभी यहाँ पर जंगल है, ऊपर पहाड़ हैं और आप ऊपर तक देखिए, और मैं इन सीढ़ियों से मैं ऊपर जा रहा हूँ। यहाँ पर एक छोटा सा शिवालय है जो भगवान शिव का शिवालय है। दूर से ही काफ़ी अच्छा लग रहा है दोस्तों। यहाँ पर साल में एक बार मेला भी भरता है। आसपास के गांव के लोग यहाँ पर बड़ी ही श्रद्धा पूर्वक यहाँ पर आते हैं। दोस्तों इस मंदिर के पास में भैंस, गाय और काफ़ी मवेशी यहाँ पर घास खाने के लिए आते हैं। और मैं आपको दिखा दूँ कि इस जगह पर एक कुआं भी है जो आप अज्यूम कर सकते हैं ये कुआं कोई बोरवेल नहीं है। इतनी सी नीचे केवल 4 फीट की गहराई में ये ज़मीन से पानी आया हुआ है जो कि प्राकृतिक जल स्रोत है। इसमें किसी प्रकार का कोई बोरवेल नहीं किया गया है। आप अपनी आंखों से देखिए, केवल 4 फीट गहराई पर ही ज़मीन से पानी आ गया है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं यहाँ पर इस पहाड़ में इस जगह पर कितना सुंदर इस जगह का एक स्ट्रक्चर रहा है। मैं इस जंगल के रास्ते से अब निकल रहा हूँ दोस्तों। काफ़ी डर का सा माहौल है यहाँ पर और मुझे थोड़ा सा जल्दी पहुँचना होगा। आगे घना जंगल है। फिर दोस्तों मैं पहुँच चुका हूँ अदावल धाम में। ऊंचे ऊंचे पेड़ पौधे लगे हुए हैं और ये धाम दूर से ही लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। यहाँ पर काफ़ी संख्या में बंदर भी हैं और यहाँ पर जंगली जानवर भी हैं और एक प्राकृतिक जल स्रोत भी है। मंदिर जैसा आप सामने देख सकते हैं। मैं अब इस मंदिर में जा रहा हूँ। देख सकते हैं इस मंदिर में लंगूर है, बंदर है और ये सामने जो आपको बड़ का जो बरगद का पेड़ दिखाई दे रहा है, ये बरगद का पेड़ काफ़ी प्राचीन है। क्यों ना हो, ये अलवर की धरा बड़ी ही पूजनीय है। यहाँ पर हजारों लाखों साधु संतों ने इस धरा धरती पर जन्म लिया है और जिस जगह उन्होंने जप और तप किया है उस जगह पर हमेशा पानी की जलधाराएं धरती से अपने आप स्वतः ही प्रस्फुटित हो गई है। यहाँ पर एक आप कुआं देख सकते हैं। ये जो कुआं है, अब इसमें अंदाज़ा लगाइए, ये कुआं, मैं इस कुएं के पानी को अपने हाथों से छू सकता हूँ। ये इतना नीचे है केवल और केवल। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि ये जगह है कितनी पावन है, कितनी पवित्र है। एक प्राचीन ये बरगद का पेड़ है। मैं आपको सामने जो दिखाई दे रहे हैं ये प्राचीन हनुमान जी मंदिर है।
और प्राचीन एक शिवालय है और एक संत योगी जी की एक प्रतिमा है और माता का एक दरबार भी है और एक शिवालय होने के साथ साथ यहाँ गणेश जी का दरबार है। अदावल धाम चारों ओर से काफ़ी सुंदर है और काफ़ी शांत है। ये जो सामने है ये भगवान शिव का शिवालय है और ये जो संत हैं इन संत का नाम श्री 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 1008 श्री मोहिनीनाथ बाबा हैं। इनकी चरण पादुकाएं भी यहाँ पर रखी हुई हैं। जब ये इस धरती पर थे, इस धरा पर थे, तब ये चरण पादुकाएं यहाँ पर पहनते थे और इन जैसे संतों की वजह से ये धरती और ये पावन धरा हमेशा अपने आप को धन्य महसूस करती है। सामने देखिए आप, ये माता शेरावाली का एक छोटा सा मंदिर है। माता काली का और भैरू जी का एक दरबार है। मैं इस मंदिर में आया इसलिए हूँ कि ताकि आप लोगों को भी बता सकूँ कि अलवर में आप जो राजस्थान का एक जिला है उसमें आप जगह जगह घूम लिए होंगे लेकिन कभी इस जगह नहीं आए। ये जगह आकर मुझे बड़ा अच्छा लगा है। दोस्तों आप भी आइए, आप अपने परिवार के साथ यहाँ पर खाना लेकर आइए और कुछ पल यहाँ पर बिताने के लिए आइए आप। ये प्राचीन हनुमान मंदिर करीबन 500 साल पुराना ये हनुमान जी मंदिर है। कभी किसी समय पे यहाँ पर साधु संतों का एक जमावड़ा लगा रहता था, हजारों लोग आकर यहाँ पर भोजन किया करते थे, यहाँ पर प्रसादी का कार्यक्रम रखा करते थे। लेकिन जब से मोहिनी बाबा गए हैं, ये मोहिनीनाथ बाबा जाने के बाद यहाँ पर कुछ अलग ही हो गया है, लेकिन फिर भी यहाँ पर साधु संत आते रहते हैं और भगवान की सेवा में अपना कुछ ना कुछ जीवन अर्पण करते रहते हैं। मैं भी इस जगह का बड़ा ही एक भक्त हूं। बोलो श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय श्री राम, जय सीताराम, जय सीताराम। तो दोस्तों अब मैं इस हनुमान जी मंदिर की ओर आगे बढ़ रहा हूं। राम सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम, जय राम, जय जय राम, जय हनुमान। दोस्तों मैं हनुमान जी महाराज के दर पर आ चुका हूँ। सामने आप देखिए, इनका चेहरा मुस्कुराता हुआ है, बड़े ही मुस्कुरा रहे हैं, भोले लगते हैं, मुस्कुराते हुए बड़े सुंदर और बड़े अच्छे लगते हैं। क्यों ना इन्होंने मुझे इतनी दूर से जो बुला लिया है अपने दरबार में, और मैं इस दरबार में आकर बड़ा खुश हूँ। मेरा मन हमेशा से बड़ा ही खुश रहा है और मैं यहाँ आता रहता हूँ दोस्तों। और आप देखिए यहाँ पर, बोलो हनुमान जी महाराज की जय। भगवान की प्रार्थना करूंगा और फिर मैं यहाँ से अपने शहर की तरफ प्रस्थान करूंगा। हर मनुष्य की जीवन की मंगल कामना की मैं यहाँ पर प्रार्थना करूंगा। दोस्तों अब आप लोगों को यहाँ से लेकर चलने वाला हूँ, तो मैं अब अपनी बात को कुछ देर के लिए विराम देता हूँ। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ इस मंदिर में ही यहाँ पर एक विश्राम भवन बनाया हुआ है। देख सकते हैं यहाँ पर महाराज जी श्री मोहिनीनाथ बाबा का धुना है। दोस्तों मैं मंदिर के पास बने हुए इस विश्राम भवन की छत पर पहुँच चुका हूँ। इस छत से मैं इस मंदिर का नज़ारा आपको दिखाना चाहता हूँ और इस मंदिर के पीछे ही ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। तो मैं आज अदावल धाम की यात्रा पर हूँ। दोस्तों ये जो धाम है ये आपको कैसा लगा, मेरे पीछे आप देख सकते हैं। आप भी यहाँ पर आइए और लोगों को भी बताइए कि अलवर जिले में भी एक सबसे और प्रसिद्ध हनुमान जी का एक धाम है जिसका नाम अदावल धाम है। दोस्तों ये जो अदावल धाम है ये सिल्लीसेड से आगे जब हम बढ़ते हैं गरवा जी की साइड, तो बीच में ही एक रास्ता और कटता है जिस और वो अदावल की साइड ही आता है। दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए और मेरी वीडियो को शेयर एंड लाइक करिए। तो दोस्तों आज मैं बस इतना ही आपको बताना चाहता हूँ, तो आगे फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो फ्रेंड्स टेक केयर, गुड बाय, हैव ए नाइस डे।